गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। और अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना के तहत अब मैं बाहर तो ज़्यादा ट्रैवलिंग कर नहीं सकता, तो अब मैं अपने ननिहाल आ चुका हूँ, अपने नाना जी के घर पर गांव में। क्योंकि वहाँ जोधपुर में सिटी में कोरोना के तहत ना तो कोई बार वीडियो बना सकते हैं, ना ही कई बार अपन जा सकते हैं, तो इसलिए मैं ननिहाल आ गया हूँ अपने यहाँ पे। और आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग में शुरुआत कर रहा हूँ। हम ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पे लेके आए हैं और पीछे वहाँ पे मामा जी, नानी जी, नाना जी और वो ये यहाँ पे इस ट्रैक्टर के अंदर आज हम ट्रॉली भरने वाले हैं ये चारे की। और अब आने वाले जो वीडियो है वो मेरी डेली लाइफ के व्लॉग रहेंगे दोस्तों। ट्रैवलिंग तो बाहर नहीं कर सकता मैं, अब मजबूरी मेरी भी है, आप भी समझ सकते हो। कोरोना के तहत सब जगह लॉकडाउन चल रहा है, पूरा MP बंद हो गया है, महाराष्ट्र पूरा बंद हो गया है और जगह जगह शहरों में लॉकडाउन तो चल ही रहा कर रहा है। तो अब आने वाले सारे वीडियो मेरी डेली लाइफ के व्लॉग रहेंगे। तो अब मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करता हूँ, जो भी है मेरी अपनी जो दिनचर्या है वो सारी आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से पसंद आएंगे। सिनेमैटिक शॉट के साथ मैं शूट करूँगा, तो आप ढेर सारा प्यार देना। और फिलहाल अभी हम आज शुरुआत कर रहे हैं अपने इस खेत के साथ। मॉर्निंग में जल्दी हम आ गए हैं और फिर देखते आगे क्या होता है। और दोस्तों गांव में खिचड़ियों के ऊपर इस प्रकार से देख सकते हो आप, ये सांगरी आ चुकी है। सांगरी का साग बहुत ही शानदार बनता है। राजस्थान का जो फेमस डिश है वो सांगरी का साग होता है, पंचकुटा। और आपको यहाँ पे ये इस प्रकार से ये चारा हम ट्रॉली के अंदर भरने वाले हैं। मामी जी इधर जीरा इकट्ठा कर रही है और नाना जी बैठे हैं। नाना जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ से इस खिचड़ियों से हम सांगरी उतारेंगे, प्याज डाल के बढ़िया साग बनाएंगे। नानी जी मेरे सामने इधर खारी खारी देख रही है। दोस्तों आप ये जो अस्त्र शस्त्र देख रहे हैं इसको अठन्नी कहते हैं, क्योंकि इसके 8 सिंगी है। तो ये इसको चारे को इस प्रकार से भरने में काम आएगा। और एक होती है छकनी जिसके 6 सिंगी होती है, और एक होते है चार वाली चौकनी, और दो वाली कहलाती है जई। अब आप अपने अपने क्षेत्र में इनको क्या कहते हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल ये अटनी है, ये 6 वाली छकनी होती है। और ये इस प्रकार से हम इसको ऐसे करके भरेंगे ओडे के अंदर, है ना, ट्रैक्टर के अंदर ओडा पड़ा है, ओडे के अंदर भर भर के ट्रैक्टर। और इनका अलग करेंगे इस प्रकार से। नाना जी और मामा जी यहाँ पे ट्रैक्टर के ऊपर जाल तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर हम चारा भरेंगे। इस प्रकार से ये जाली डालकर इसके ऊपर पल्ली डालेंगे ताकि एक पूरी एक बॉर्डर बन जाए, ताकि वो चारा नीचे ना गिरे। दोस्तों दोपहर की 1 बज रही है और इतनी तेज़ धूप है, और मेरी जो चेहरे की है वो 12:01-2 बज गई कर गई है, जितने बजने थे वो सारी बज गई है। इधर मामा जी साथ में चल रहे हैं और हालत ख़राब हो गई है पूरा भर के। अब हम रेडी होके हम वापस अब घर जा रहे हैं ट्रैक्टर लेके। तो ट्रैक्टर उधर से घूम के आएगा, हम यहाँ से पैदल पैदल निकलेंगे। और ये केर है, जो केर के जो बनते हैं ना सब्जी, पंचकुटा सांगरी केर, तो वो वाले केर ये है जिनके ढालू लगते हैं बहुत बड़े बड़े। तो ये नाना जी आ रहे हैं हमारे साथ और वो ट्रैक्टर उधर से घूम के आएगा, अब जाएंगे घर पे। कोई ये कुछ इस प्रकार का रास्ता है, निकल रहे हैं अंदर से धीरे 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 धीरे। दुनिया एड़ी है, ऐसी दुनिया बेड़ा साल दुनिया है। पैसे की कीमत है इस दुनिया में, पैसों की कीमत है, नगदे की कीमत है। गरीब कोई धनी नहीं है, गरीब का कोई सारा नहीं है। मेरे के के करी तव चाहिए दे के पे दे पर हां तो रण पड़ो हां तवड़ी दे चले गोड़ी
क्यों घर में चलन नहीं है? हाँ चलन नहीं है ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जिसकी चलन है उसकी बलन है, चलन है उसकी बलन है, देना की नहीं है। दोस्तों अब जानते हैं कि लंच में क्या बनाया है मामी जी ने, तो आइए एक्सप्लोर करते हैं खाने को, लंच को। तो मामी जी आप बताइए खाने में क्या क्या बनाया है, खाने के अंदर क्या है? खीर, चलो अच्छा इसमें खीर है, यहाँ पे रोटी पड़ी है, चपातीज, और यहाँ पे दाल बनी है। दाल कैसी बनी है देखते हैं। वाह बहुत शानदार बनी है, दाल की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मामी जी। और इधर इधर घी है, ये चूल्हा है, खेत से आए तो काफ़ी लेट हो गए, अब खाना खाते हैं। Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we're worth saving. Are we meant to be or are we second guessing? दोस्तों शाम के 7 बज रहे हैं और अब मैं जा रहा हूं अपना एक वीडियो अपलोड करने के लिए, और यहां पे नेटवर्क नहीं पकड़ता है घर पे, तो अभी हम एक लोकेशन पे जा रहे कर रहे हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। तो अभी मैं बाइक पे हूं, अभी बाइक रेडी कर ली है, और अभी हम जाएंगे नर्मदा नहर की जो वितरिका है उसके पुल के ऊपर, वहाँ पर पूरा नेटवर्क पकड़ता है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है वीडियो अपलोड करने के लिए। तो अभी मैं वो लोकेशन आपको दिखाता हूँ गाँव के अंदर कितनी प्रॉब्लम होती है, तो कौन से रास्ते से जाएंगे हम आपको दिखाएंगे अभी। तो अभी यहाँ से बाइक को रवाना करते हुए इधर से गेट से निकलेंगे बाहर, और बाहर आपको वो बाढ़ के पास पास होते हुए हम जाएंगे वो पूरा कंप्लीट रास्ता पार करते हुए, वो जो सामने जो दुकान नज़र आ रही है उसके पास में उधर सीधा आगे स्ट्रेट निकलेंगे, तो वहाँ पे वितरिका का पुल है, तो उसके ऊपर अभी आपको अभी मैं विजिट कराता हूँ लोकेशन। तो दोस्तों फाइनली हम हमारी जो वीडियो अपलोडिंग वाली लोकेशन है वहाँ पे पहुँच गए हैं, क्योंकि घर पे नेटवर्क पकड़ता नहीं है, और मेरा डेली का रूटीन यही अभी यही रहने वाला है कि इस पुल के ऊपर आके नेटवर्क पकड़ते जो अच्छे से पकड़ता है, तो यहाँ पे आके वीडियो अपलोड करता हूँ। यहाँ पे आप पीछे देख रहे होंगे नर्मदा नहर वाली वितरिका छोटी वाली यहाँ पे आती है, और हमारे साथ मामा जी जुड़ चुके हैं, तेजाराम जी और बाबू जी भी साथ में जुड़ चुके हैं, तो ये यहाँ के हैं, इनका जस्ट पास ही में पीछे घर है, तो वहाँ पे नेटवर्क पकड़ता ही नहीं है, तो क्या करूँ, मुझे यहाँ पे आना पड़ता है। तो आपका नेट चल जाता है घर पे मामा जी? है वीडियो अपलोडिंग करने के लिए नेट तो नहीं चलता दोस्तों, लेकिन आप वीडियो यूट्यूब पे देखते हो वो आराम से चल जाता है, हाँ, क्योंकि घर पे एक या दो लकीर कम रहती है, है ना, तो इस हिसाब से। तो मामा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और यहाँ पे सड़क का काम भी चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप पीछे जो मार्केट देख रहे हो शिवाड़ा, तो वहां से ये बिल्कुल डम्बर रोड बनेगी, बिल्कुल शानदार, पेट में पानी भी नहीं हिलकेगा, इतना शानदार रोड बनने वाला है, तो इस पे गाड़ी चलाने का बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, और ये सीधा आगे अपने नाना जी के घर तक जाएगा सीधा। तो दोस्तों रात के 10 बज गई है, और अब मैं कुछ मेरे वीडियो एडिटिंग करूंगा आज वाला जो मैंने बनाया है व्लॉग, और लगातार आप व्लॉग देखते रहिए, आपका जो प्यार मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत ही सराहनीय है, और आपका सपोर्ट ही मेरे को आगे बढ़ाएगा और एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को आप शेयर करना, और पहली बार विजिट कर रहे हो अपने चैनल पर तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।